जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत पूजा करते हैं आप, जब देखो तो प्रभु का मनन और भजन ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट दूर नहीं होते। पता नहीं क्यों हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कई सारी बातें, कई सारे सवाल आप लोगों ने जो मुझसे किए हैं, या फिर मैं कहूँ कई बार आपके जहन में जो आते हैं, क्योंकि कुछ सवाल तो जो मुझे मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताए गए हैं, तो उन्हीं सवालों को लेते हुए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जब हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी कष्ट हमारे खत्म नहीं होते, कभी सोचा है आखिर क्या कारण है इन सब का? मेन कारण है नियम। एक होता है खाने को सिर्फ खाते रहना, और एक होता है प्रॉपर, उसको हम कहते हैं ना, चबा चबा कर खाओ तो जल्दी डाइजेस्ट होगा। वैसे ही पूजा पाठ के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि हर चीज का एक नियम होता है, जीवन जीने का भी नियम है, समाज में रहने का भी नियम है, धर्म भी नियमों में बंधा तो है, भले ही आप कैसे उसूल अपने बना लें। आप भूल जाएं कि पूजा पाठ का भी नियम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली में पूजा पाठ का भी नियम होता है। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, जैसे भी आती है वैसे करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन जब किसी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, यानी कि मनोवांछित इच्छा के लिए आप कोई पूजा पाठ करते हैं, तो आपको नियमों का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना नियम के पूजा पाठ पूरी तरह स्वीकार नहीं होता है। बिना नियम जाने आप गणित का सवाल भी तो नहीं सुलझा सकते। क्या कर सकते हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते। आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो नियम तो आपको आना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी प्यार से बात नहीं करेंगे तो कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके पास आप गए हैं वो क्यों बताएगा? वो नहीं बताएगा। अगर अकड़ के बात करेंगे तो वो कहेगा पहले से ही तू प्रॉब्लम में, और ऊपर से अकड़ के मुझसे बात कर रहा है। तो कहते ना, इसका भी एक नियम है। बिना नियम जाने आपको पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलता है। पूजन के वक्त क्या गलतियां आप लोग करते हैं, या क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, मैं कहूं, जिससे आपकी पूजा पूरी तरह स्वीकार हो जाए। आप इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखिए जो भी आप कर रहे हैं उसका फल अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा ये सारी चीजें बेकार हैं, लेकिन चीजें बेकार नहीं है जो आप कर रहे हैं, बस आप उनको नियम से नहीं कर रहे हैं, तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है। इसीलिए कहते हैं ना, मैं मंदिर मंदिर फिर आया, मैं नाम मंत्र सब जप पाया, फिर भी जीवन में ना है सुकून, आखिर ऐसा क्यों? जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। वो होता है ना कि कितनी भी पूजा पाठ कर लो हमें फल नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है? इन सब के पीछे का सबसे मुख्य कारण होता है, फिर से कहूंगी, आपका भाव। जैसी भावना होती है फल वैसा ही मिलता है। हम जब भी पूजा करने बैठते हैं मन के भाव प्रभु भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होने चाहिए, क्योंकि इस भाव में बहुत ताकत होती है। इसलिए जब भी पूजा पाठ करें या कोई उपाय करें तो वो ट्रस्ट के साथ करिए कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर देखा गया है जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ तो लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अच्छा कितने दिन करना है इसको, अच्छा इसको करने से क्या होगा। तो जब आपने वो सवाल ही कर लिया कि करने से क्या होगा, तो उस सवाल में वो जो क्वेश्चन मार्क आया ना, मतलब आप श्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप ब्लाइंड फेथ करिए, लेकिन जब भी आप किसी चीज को करें ना तो पूरे श्रद्धा के साथ करिए, अपने भावों को निर्मल स्वच्छ करके करिए, और प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण का भाव लेकर भक्ति करें। प्रभु के प्रति जब सच्चा समर्पण होता है ना, तो वो खुद अपने आप को, आप ऐसे समझिए, आप तक आने से नहीं रोक सकते हैं। बाकी अब वो मुख्य बातें ध्यान से सुनिए जो पूजा करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, कुछ सावधानियां पूजा करते वक्त अवश्य बरतनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने का सही तरीका है, उस कार्य का पूर्ण फल ही आपको तभी मिलता है। ऐसे ही पूजा पाठ के साथ भी होता है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इसका फल अवश्य मिलेगा।
सावधानियां क्या क्या बरतनी है आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यानी कि पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर माता दुर्गा, फिर भोलेनाथ और फिर विष्णु जी। ये क्रम मैंने आपको बताए हैं। अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर के मंदिर में बैठकर ही, सूर्यदेव तो वैसे ही आपके घर की छत से बालकनी से आपको दिख ही जाते हैं, तो पूजा करना जब शुरू करें सबसे पहले आप जाकर सूर्यदेव को नमस्कार करिए, फिर घर के मंदिर में बैठकर जैसा कि मैंने कहा गणेश जी को नमस्कार करिए, फिर माता दुर्गा को नमस्कार करिए, भोले बाबा को यानी कि शिव जी को नमस्कार करिए और फिर प्रभु श्री हरि विष्णु को नमस्कार करिए। ये पंचदेव कहलाते हैं, इनकी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान सबसे पहले करिए, इनका आवाहन करिए और इनको प्रणाम करिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण तो गलती से भी मत रखिए, क्योंकि आप में से ही किसी ने एक सवाल किया था कि हमारा जो मंदिर है वो पूरा भरा हुआ है, तो मैंने पूछा भरा हुआ कैसे, उन्होंने कहा मंदिर के अंदर तो मूर्तियां हैं लेकिन मंदिर के ऊपर हमने किताबें रखी हुई हैं, लेकिन वो किताबें सिर्फ पूजा से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मंदिर के ऊपर रखी हुई चीजें यानी कि आपने अपने भगवान के ऊपर भार रख दिया है, तो ऐसा गलती से भी मत करिए। मंदिर के ऊपर आप कोई भी किसी भी प्रकार की किताबें या वस्तुएं या ज्वेलरी भगवान की मत रखिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। अपने पूज्य माता पिता या पितरों की फोटो आप मंदिर में गलती से भी मत रखिए, ये दूसरा नियम है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमने अपने फादर की फोटो या मदर की जो नहीं है अब इस दुनिया में, जहाँ हमारे जिस रूम में मंदिर है हमने उसी रूम में उनकी फोटो भी लगाई हुई है। देखिए आप माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपने मंदिर बनाया है ना वहाँ पे आपको अपने पूर्वजों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके कष्ट बढ़ते हैं। किसी भी पूजा में अगर आप सम्मिलित होते हैं या आप किसी पड़ोसी की पूजा में जा रहे हैं या मंदिर की पूजा में जा रहे हैं, वहाँ आरती हो रही है या किसी भी प्रकार का पूजन होता है ना, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, बिना दक्षिणा के आप पूजन में सम्मिलित मत होइए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दक्षिणा नहीं है तो पूजा हो रही है वहां से वापस चले जाए, नहीं, कोशिश करिए चाहे आप किसी से लेकर दक्षिणा चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए जरूर। अगर दक्षिणा ना मिले तो कुछ फूल अपने हाथों में ले लीजिए, लेकिन जब भी किसी भी प्रकार की आप पूजा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान को भेंट स्वरूप जरूर चढ़ाइए। और अंत में जहाँ भी आप पूजा करते हैं उस परम शक्ति से क्षमा प्रार्थना जरूर करिए और कहें कि हे परम शक्ति, मुझे पूजा पाठ नियम के अनुसार नहीं आता है, तो जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ श्रद्धा भाव के साथ आप उसे स्वीकार करिए और जो भी गलती मुझसे हुई है अपनी संतान समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। बस इन नियमों का पालन अगर आपने कर लिया और अपने भाव को अच्छा स्वच्छ निर्मल करके प्रभु को याद किया तो हर पूजा पाठ स्वीकार होगी आपकी। वो परम शक्ति वो आपको भरपूर शक्ति देगी, आपका मार्ग प्रशस्त जरूर करेगी, आपके जीवन में आप स्वतः ही बदलाव देखने लगेंगे। एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि आप सभी से, हम सब पूजा पाठ करते हैं तो जो काम हम सब करते हैं क्यों ना उसे थोड़ा नियम के साथ कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको ये नियम बता दी। अनुशासन हर किसी को प्रिय होता है और परम शक्ति अनुशासन को बहुत मानती है, इसलिए नियम और अनुशासन का ध्यान रखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ये बहुत छोटे छोटे से खास नियम मैं आपके लिए लेकर आई थी। और एक खास बात, जब भी आप किसी प्रकार का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अपने घर में भी करते हैं, उसके बाद आप वहीं पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा जरूर कर लिया करिए। ऐसा करने से आप समझिए कि किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं तो कहते हैं ना मंदिर की मूर्ति या उसके आप चक्कर काटते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो आप पूजन करने के बाद वहीं खड़े खड़े आप 3, 5, 7 जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसे प्रदक्षिणा जरूर किया करिए। ऐसा करने से भी आपको अपनी पूजा पाठ का पूरी तरह से फल जरूर मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मुझसे तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी ऐसी ही बहुत सारी खास जानकारियाँ। जय माता दी।